हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आपके पास एक अजर्शन है, एक रीजन अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सो अजर्शन कहता है KMnO4 इज पर्पल इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बिल्कुल सही चीज है ये। KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर जो आपका मैंगनीज है ये अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि D0 कॉन्फिगरेशन में, ठीक है, एकदम हाई चार्ज है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। और यहाँ पे जो लिगेंड है वो क्या है, O2 नेगेटिव है, जिसके पास एक्सेस चार्ज है, छोटा एटम है, चार्ज ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, O2 नेगेटिव जो है अपना जो चार्ज है वो किसको देगा, मैंगनीज के डी ऑर्बिटल में दे देगा। तो इसको हम कहते हैं LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो जब चार्ज ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से मैंगनीज की तरफ, तो एक ट्रांजिशन होता है, तो उस ट्रांजिशन की वजह से, उस ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और हमें पर्पल कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। रीजन लिखते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज इन MnO4 नेगेटिव। ये भी सही है, बट आप ये देखिए कि इन्होंने सिर्फ ये बताया कि MnO4 नेगेटिव है, परमैंगनेट आयन है, इसमें डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे एक्सप्लेन ही नहीं किया कि कैसे कलर आया, ठीक है, LMCT की बात ही नहीं हुई है। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें लिखा है कि अजर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।